चरण पाहुल तथा खंडे के अमृत की शक्ति। सिखों ने पांच प्रकार की सिक्खी का उल्लेख सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रार्थना की कि महाराज हमें पाहुल व अमृत का उल्लेख बताओ। गुरु जी ने फरमाया कि भाई तंत्र मंत्र आदि कार्य की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है, परंतु वही गुरु मंत्र जो चारों वर्णों को एक करने वाला है इससे भी सिद्ध हो जाते हैं। लोहे का शस्त्र, खंडा, जल तथा मिष्ठान से तैयार किया हुआ अमृत एक बड़ा तंत्र है जो स्त्री व पुरुष को बलवान बना देता है। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर अब तक गुरु घर में चरण पाहुल की मर्यादा थी, जिससे सिख की गुरु चरणों में बहुत प्रीति होती है। चरण धोकर उसके ऊपर गुरु मंत्र पढ़कर सिख को पिला देना व भजन करने का उपदेश होता है। इस विधि से केवल मंत्र के बल से सतोगुणी चरणामृत बनता है, परंतु जल तथा मिष्ठान लोहे के बाटे में डालकर उसमें लोहे का खंड घुमाकर अमृत तैयार किया जाता है। यह तंत्र है जिसमें बिजली की तरह ऐसी शक्ति पैदा होती है जो अमृत पान करने वाले के अंदर वीर रस और धर्म की दृढ़ता भर देती है। इस अमृत को तैयार करते समय जो जो गुरबाणी का पाठ एक मन होकर सिंह करते हैं वह मंत्र है। गुरु सिख को जो पांच ककार धारण कराए जाते हैं वह यंत्र हैं। इन तीनों तंत्र, मंत्र व यंत्र के इकट्ठे में एक त्रिगुणी बलवान शक्ति पैदा हो जाती है। इसलिए खंडे का अमृत चरणामृत से कई प्रकार से बढ़कर शक्ति रखता है।